किंग्स ऑर्गेनिक टमाटर केचप, धनबाद के किसानों द्वारा जैविक विधि से उत्पादित टमाटर का बिल्कुल शुद्ध उत्पाद है। टमाटर की खेती भी कृषि विशेषज्ञों के देखरेख में बिना किसी हानिकारक कीटनाशक के प्रयोग से की जाती है। कोपल किसानों के समृद्धि के साथ रखती है लोगों के सेहत का ख्याल। तभी तो कोपल कहता है, आप रखे किसानों का ख्याल और वो रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। किंग्स ऑर्गेनिक टमाटो केचप, शुद्ध खाओ, स्वस्थ रहो। द्विपक्षीय वार्ता के बाद बंद पड़ा भौरा बीसीसीएल ईजे एरिया 10 का काम हुआ चालू। विधायक के समर्थक एवं स्थानीय लोगों ने बीते दो दिनों से पूरे एरिया 10 के कार्य को बंद करके रखा था। विधायक के समर्थक एवं स्थानीय लोगों की मांग थी कि हेवी ब्लास्टिंग, विस्थापन और भौरा 12 नंबर में रह रहे लोगों का जो हेवी ब्लास्टिंग से घरों में दरारें को ठीक करना। इन्हीं सारे मुद्दे को लेकर धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह के भौरा महाप्रबंधक कार्यालय वार्ता करने के लिए पहुंचे थे, जो कि वार्ता विफल रहा था। उसके बाद से विधायक के समर्थक एवं स्थानीय लोगों ने पूरे भौरा बीसीसीएल ईजे एरिया 10 को बंद कर दिया था और यही बंदी दो दिनों तक चला। इस बंदी की खबर जब जिले के अधिकारियों तक पहुंचा तो अधिकारी वार्ता कराने में जुट गए। बंदी को समाप्त कराने के लिए भौरा ओपी के समीप केंद्रीय पुलिस कल्याण भंडार में एक वार्ता रखी गई, जिसमें वार्ता करवाने के लिए बलियापुर अंचल के सीओ राम प्रवेश कुमार, जोरापुकुर थाना क्षेत्र के सर्किल इंस्पेक्टर संजीव कुमार तिवारी, सुदामडी थाना के थाना प्रभारी आदित्य कुमार नायक, भौरा ओपी प्रभारी हिमांशु कुमार, भौरा थाना के ASI रणधीर कुमार, इन सभी लोगों के बीच में भौरा बीसीसीएल ईजे एरिया 10 के अधिकारियों और विधायक के समर्थक एवं स्थानीय लोगों के बीच वार्ता कराया गया। वार्ता में विधायक, समर्थक एवं स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई सारी बिंदुओं को बीसीसीएल कंपनी के अधिकारियों ने मान लिया। वार्ता सफल होने के बाद भौरा बीसीसीएल ईजे एरिया 10 का काम को चालू कर दिया गया। प्रबंधक एवं जनता मजदूर संघ के बीच आज जो है, जो उनकी मांग थी उसमें, उसके तहत मुख्य तीन बिंदुओं पर वार्ता हुई तथा जो काम अवरुद्ध था उसको चालू किया गया है। क्या कुछ मुद्दे थे सर जिसके लेके ये बंद? मुद्दे में इनका जो है, जो इनक्रोच्ड व्यक्ति हैं और नॉन इनक्रोच्ड व्यक्ति, उनका जमीन और जो यहाँ का स्थायी कर्मचारी हैं उन्हें आवास तथा मुआवजा की बात थी, उस पर सहमति बन चुकी है। बीसीसीएल अधिकारी कौन से, क्या कुछ कहा गया सर, कब तक कर दिए जाएंगे? लगभग 15 दिनों का समय लिया गया है, 15 दिनों के अंदर जो भी वार्ता हुई है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। जो अभी पूरा आउटसोर्सिंग है या? हाँ, अभी वार्ता होने के बाद शायद अभी कार्य प्रारंभ हो चुकी है। ये मुद्दा ये था कि खादान के बगल में जो गांव है उसका विस्थापन होना, उसमें दो तरह के लोग रहते हैं, एक तो अनधिकृत बीसीसीएल के ज़मीन पर लोग रह रहे हैं और एक अपना रैयत लोग हैं और कुछ बीसीसीएल के एम्प्लाई हैं। इस संबंध में कंपनी में निर्धारित नियम है कि जो लोग अतिक्रमण करके रह रहे हैं उसको कंपनी 20,000 रुपया देगी घर पीछे, जो लोग रैयत हैं उसका ज़मीन का दाम मकान वगैरह देगी और उसको ज़मीन भी उपलब्ध कराएगी। ये लोग नहीं कर रहा था, उसको आज कई महीना से लटका के रखे हुए था, इसलिए आंदोलन हुआ और उसके बाद आज प्रशासन और CO साहब के प्रयास से एक सहमति बनी। हम लोग खुश हैं, खदान चालू हो गई। हमारे परियोजना के सटा हुआ जो इंक्रोचर्स है वो हटाने के लिए सहमति बना है ताकि हम लोग प्रोडक्शन कर सकें, सुरक्षित प्रोडक्शन कर सकें। सहमति क्या है कि उसको मुआवजा देके शिफ्ट कर रहा है, नया जगह में बसाना है उसको, नया जगह। कब तक उन लोगों को मुआवजा जो विस्थापन को विस्थापित कर दिया जाएगा? उसका तो समय सारणी दिया है, एक हफ्ता दिया है।